हेलो माय डियर व्यूअर्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज है 11th of December, आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। मैं आज उसी विलेज में मैंने स्टे किया था रात को, जिस विलेज में मैं आया था कल शादी अटेंड करने के लिए। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11। मैं हूं एक खास लोकेशन पे और पीछे आपने देख लिया होगा कि ये देखो, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खास लोकेशन है क्योंकि इस लोकेशन पे मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ। मैं हूँ आज एक नहर जो भाखड़ा से निकलती है, भाखड़ा की जो ब्रांचेस, जो जैसे आपने आपको पता ही है ब्रांचेस ये अलग अलग सिटीज में जाती हैं, तो उस ब्रांच के पास हूँ मैं। तो एक ये मेन ब्रांच है जो बेसिकली सिरसा फतेहाबाद से होके जाती है। इस ब्रांच को, इस नहर को बोलते हैं काजल हेड। काजल हेड मुझे, जिससे मैंने, मेरे फ्रेंड के साथ मैं अभी दिखाऊंगा आपको, जो मेरे साथ है उसने मुझे ये जानकारी दी कि ये काजल हेड है। पानी इतना क्लीन है, नेचुरल रिसोर्स है, वाकई में बड़ा, मतलब यूं समझो कि बड़ा मजा आ रहा है जब से मैं यहां पर हूं। क्योंकि इस नहर के ऊपर मैं 3-4 बार आ चुका हूं पहले भी, मतलब किसी शादी में या इससे पहले जब व्लॉगिंग नहीं करते थे तो मैं आ चुका हूं, और मुझे बड़ा ही, मतलब मैं यहां पर आके एंजॉय किया। खुले आसमान में और आसपास में जितनी नहरों के आसपास पेड़ लगे हैं, हरियाली है, उस हरियाली को देख के तो वाकई में बड़ा मजा आता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे तो ये नहर आप देख ही रहे हो, मैं आपको पूरा इसका पूरा व्यू दिखाता हूँ किस तरह से दूर से कैसे दिखती है। और पास में, नहर के पास कुछ मंदिर भी हैं, एक दो मंदिर भी बने हुए हैं, और वो सब कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए अब हम इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं, और उसके बाद भाई आज मुझे घर वापस भी जाना है, तो मैं सिर्फ एक दिन के लिए आया था। और अब 12 से 1 बजे तक मैं यहाँ से निकलूंगा, शाम को 6 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। चलिए सबसे पहले व्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा व्लॉग देख लेते हैं, आपको भी दिखाता हूँ कि जिस जगह पर मैं हूँ। आज थोड़ी धूप भी निकली हुई है और ठंड भी बहुत ज्यादा थी सुबह, और अभी हमारे वाले प्लेस में तो धुंध काफी ज्यादा है। अभी वहां पर अभी सुबह खबरें मैंने देखी, जब मैं सुबह उठती ही देखा तो धुंध काफी ज्यादा है वहां पे। यहाँ पर अभी धुंध नहीं है, मौसम ठीक है, और कल भी धूप निकली हुई थी, काफी अच्छा थोड़ा हमने फील किया। चलिए अब हम अपने व्लॉग की शुरुआत करते हैं, फिर मिलते हैं व्लॉग के एंड में, और कुछ चीजें मैं आपको इस व्लॉग में अभी आपको बताता हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। ये देखिए, ये वहां से आ रही है, ये बेसिकली जो आपको पता होगा, आपने न्यूज में भी देखा होगा, गोरखपुर न्यूक्लियर प्लांट है जिसका अभी निर्माण चल रहा है, न्यूक्लियर प्लांट हरियाणा में लग रहा है, तो ये इसी नहर के ऊपर बना हुआ है। तो जितना भी बिजली का जो भी काम होगा, न्यूक्लियर प्लांट का काम होगा, वो इसी नहर से, मतलब इसी यहां से ना 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर बनेगा। तो ये नहर बेसिकली देखो कितनी बड़ी है, काफी बड़ी है और काफी चौड़ी भी है और गहरी भी है। ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, वहां से दूर से आ रही है, और इसका जो पानी है ना, वाकई में यार ये तो ग्लेशियर्स का पानी है। जितने भी ग्लेशियर है ना हिमाचल के साइड में, वहां से आ रहा है ये पानी। ये देखिए, ये जो नहर है ना, ये बेसिकली टोहाना ब्रांच की है। टोहाना में ना आपने देखा होगा, टोहाना से कई नहरें निकलती हैं, वहां से पानी आ रहा है। अभी ना पानी, इसको मुझे लगता है कि इसका पानी अभी ये बंद किया हुआ है, इसकी ना सफाई होगी अभी, तो क्योंकि बड़ी नहरें हैं और दूर तक जाती हैं, और इनका तो भाई थोड़ा होता ही है कि थोड़ा बहुत काम तो चले ना, तो इसको अभी बंद किया हुआ है। पानी की गहराई मतलब ज्यादा नहीं है, कम है, वहां तक दूर तक। वो देखिए, वो जो पुल है ना, वो लड़का ना, वो मेरा फ्रेंड ही है, तो उसके साथ ही आया हूं मैं। वो दूर तक, वो देखो, चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, चलते जाते हैं। ये देखिए, नीट पानी है बिल्कुल। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए, एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर खड़ा हो जाऊं, सॉफ्ट सी जगह के ऊपर। ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ कितना नीट पानी है। ये देखो नीचे की जमीन बिल्कुल साफ दिख रही है यहाँ पे, मतलब ये तो अभी आपको ना रिफ्लेक्शन दिख रही होगी, क्योंकि अभी साफ से आपको तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं बड़े आराम से देख पा रहा हूँ इसको, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी कुछ इसी तरह से होती है ना फोन की, तो इसलिए मैं आपको अभी ना आसपास की हरियाली भी दिखाता हूँ।
सरसों के जो खेत हैं बिल्कुल पास में, क्योंकि सरसों की भी खेती होती है ना यहाँ पे। ये देखो थोड़ा सा इधर घूम कर लेते हैं, घूम लेते हैं। ये देखो ये सरसों की खेती भी हो रही है यहाँ पे। मुझे तो ना ये सीन कभी कभी याद आता है DDLJ का, तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो DDLJ के सीन सरसों के खेत में ऐसे ही फनी सा लगता है ना। चलो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ, एक मिनट की ऐसे रहिए आप। सरसों की खेत मैं थोड़ा नीचे चला जाता हूँ। ये देखिए ये है सरसों का खेत। वो रोड मुझे पता नहीं है कहां पे जा रहा है, आई डोंट नो। और उसके बिल्कुल दूसरी तरफ गन्ने के खेत हैं, वहां पर भी गन्ने की खेती हो रही है, वहां पर भी। ये देखिए पास में गन्ने के खेत भी हैं। चलिए लेट्स गो। मैं एक्चुअल में नेचर का लवर हूं, काफी टाइम से मुझे नेचर को कवर करना अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं ये सब कवर कर पाता हूँ। और मुझे बड़ा ही पिछले काफी टाइम से ना मेरा शौक रहा है। जैसे मैंने बताया कि मैं नेचर का लवर हूँ, मुझे नेचर वाली जो चीजें हैं, कुदरत की जो चीजें हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं हमेशा से इनको कवर भी करता हूँ। और पिछले कई सालों से ना नेचर को कवर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है, आपके पास बहुत सारी ऐसी यू नो आप एक बिजी लाइफ जी रहे होते हैं, तो जब आप कहीं जा रहे हैं तो नेचर को एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। मुझे तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। आज मैं यहाँ पर हूँ, अपना पूरा शेड्यूल मैंने बिल्कुल ऑफ किया हुआ है। मैं यहाँ पर स्पेशली शादी अटेंड करने के लिए तो आया ही था, तो मैंने सोचा कि चलो, वैसे मुझे निकलना था अभी 10 बजे तक, तो मैंने कहा चलो एक दो घंटे लेट चले जाएंगे, कोई बात नहीं, नेचर को कवर कर लेते हैं। और दिखाता हूँ आपको अलग अलग जगह पर, जब भी आपको कहीं मौका मिलता है तो उसको आप एक्सप्लोर जरूर करिए। मुझे तो वाकई में बहुत अच्छा लगा। जिस प्लेस में मैं अभी हूँ, बड़ी शांति वाली लाइफ है यहाँ पे। सुबह का नाश्ता किया हुआ है, और उसको थोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए ना, घूमने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो अभी बस एक जगह पर छोटा सा काम हो रहा है, उसके बाद फिर बैक टू होम चले जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो पुल है, पुल के बारे में, और मेरे एक साला साहब हैं और मेरा एक दोस्त है, उनसे बातें करते हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, वॉकिंग कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है सही में। ठंड का टाइम है और धूप भी है, और बड़ा अलग सा मौसम है यार, बड़ा ऐसा लग रहा है जैसे चिलिंग इफेक्ट होता है ना सुबह सुबह, ऐसा इफेक्ट था सुबह, अब काफी ठीक है। चलो अब मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ, जो सामने का व्यू है मंदिर का वो भी दिखाता हूँ। चलिए सारा वहां से हम शूट करके हमने सोचा चलो अब इस नहर के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, इच्छा पूर्ण मंदिर है भगवान हनुमान जी का, तो वहां पर पंडित जी भी हैं, और उस मंदिर को अपा कवर कर लेते हैं। ये ना स्टेप्स बने हुए हैं, देखो ये स्टेप्स बने हुए हैं, आप इजीली अगर आपको पानी चाहिए तो आप ऐसे लेके आ सकते हो, उधर से भी और इधर से भी। ठीक है, तो ये जो रोड है मैं यहां से आया हूं, जो मेरा जिस गांव में मैंने स्टे किया हुआ है वहां से इस रोड पे ऐसे करके ये आगे किसी और गांव में जाता है, पता नहीं, मैं अभी पूछता हूँ बताता हूँ। तो ये वो मंदिर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, काफी प्राचीन मंदिर है, और ये आगे नहर जा रही है। ठीक है, चलिए अब इस सबसे पहले माथा टेक लेते हैं इस मंदिर में, फिर उसके बाद इसके बारे में पूछते हैं।
इसको खरताना पुल बोलते हैं। चलिए हम लोग अभी हैं प्राचीन मंदिर में। इस मंदिर की भी एक हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के बारे में अभी हम जानेंगे 2 मिनट के लिए। फिर सबसे पहले हम माथा टेकते हैं क्योंकि ये हनुमान जी का मंदिर है, फिर उसके बाद हम अभी बात करते हैं, अभी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलिए। ये बेसिकली नहर के ऊपर बना हुआ एक मंदिर है, ये देखो पास में पेड़ लगे हुए हैं, और यहाँ पर ये पेड़ है बीच में, तुलसी का पेड़ आई थिंक, नहीं जी बिल्कुल इस तरह से पूजा होती है, जय हो भगवान शिव की, और इस तरह से आराधना होती है। ये देखिए ये जगह परिक्रमा के लिए बना हुआ है, यहां पर परिक्रमा भी होती है। माथा टेकने के बाद हमने इस मंदिर की ना पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश की, तो हमारे पास बैठे हैं पंडित जी। क्या नाम है पंडित जी आपका? स्टार्ट। तो पंडित जी कब से आप सेवा कर रहे हैं यहाँ पे? मेरे क्या 9 साल हुआ मंदिर तो लगभग 20 साल से है, लेकिन मेरे को 9 साल हो गए। तो क्या इस मंदिर की हिस्ट्री क्या है? मंदिर ऐसे हुआ कि पहले तो एमपी रोई में एक मंदिर था हनुमान जी का, वहाँ पर मूर्ति तक खड़ी, वो खंडित मूर्ति लेकर उस नहर में रख दिए। फिर नहाने धोने वाले इसमें से मूर्ति देखा निकाल कर ऊपर रख दिया। ऊपर रखने के बाद में, और ये रास्ता ऐसा था कि दिन में चलता था, रात में बंद हो जाता था, जंगल था बहुत ज़्यादा भयानक रास्ता था। फिर वो मूर्ति रखने पर लोग आने जाने में 2 रुपया 4 रुपया चढ़ाने शुरू कर दिया, और कोई मन में सोच ले कोई बात पूरा होने लग गया। तो यहाँ गांव वाले लोग, ये भाने वाले तीनों गांव का मिलकर तीनों मिलकर यहाँ पर ये गड्ढा तो बहुत ज़्यादा है, फिर इसको ट्राई करके फिर उसके बाद वे लोग सोचा कि मंदिर बनाऊंगा। यहाँ लोग शुरुआत आगे थोड़ा आगे यहाँ लोग शुरुआत कर दिया मंदिर का। मंदिर तो बना दिया वो, एक कमरा बना गया, फिर इसमें पुजारी की कमी थी। पुजारी लोग लाते थे, 2 दिन 4 दिन रहता था, निकल जाता था, और जंगल था यहाँ पर रहने की हिम्मत भी नहीं करता था किसी को। फिर ये 8-10 साल तो वैसे खाली रहा है मंदिर, क्या चला गया आया चला गया। फिर बात हम ग्लोबल रहते थे पहले, तो यहाँ के जो इस मंदिर के प्रधान थे मेंबर उम्बर जो थे वो हमारे पास में, गुरु जी चलिए उस मंदिर को संभाल दीजिए। फिर ये लोग हमको यहाँ ले आए, तो यहाँ ले आए तो पहले मेरे भी जी यहाँ नहीं लेता था, ये सब खंडर था यहाँ पर। अच्छा, बर के आगे सब खंडर था, इधर भी खंडर था, सरकंडा जंगल दुनिया भर की, दुनिया भर का सांप सपोले भयानक था, सब कुछ था यहाँ। फिर बाद में मैंने हिम्मत किया, अरे हनुमान जी के मंदिर जो है रंग नहीं किया हुआ था, बिल्कुल वैसे लगता था उजाड़ की तरह। फिर मैंने आया तो रंग करवाया, ये लोग को बोला कि भाई मंदिर को रंग करवाएंगे, फिर ये लोग रंग करवाया। रंग करवाने के बाद मैंने भंडारा किया, पहला भंडारा कब किया था आपने? 2013 में, 13 में, 2013 में पहला भंडारा, 2013 में किए, तो साल में 2 भंडारा करते थे। अच्छा, 13-14-15 तक साल में दो किया, 16 से फिर एक करना, और इस तरह
सब तैयार कर दीजिए और आज देखिए कि रात और दिन एक जैसे रहता है, एक जैसे रहता है। आज अब इम्प्रूवमेंट हो गई है यहाँ। हाँ, दुनिया आते हैं, खुशी होते हैं, जगह पर जी भी रहता है। आप, आपको भी जी लगता है? हाँ, मैं पंजाब से आया हूँ दरअसल। जी तो आपको भी लगता है? मैं पंजाब से। अब देखिए कि ये मंदिर के नाम इच्छा पूर्ण नाम है। आपकी जैसे कोई पूछ आते हैं, मन में कोई बात होता है, अब वो अपनी इनके पास कुछ मांग करते हैं, वो पूरा हो जाता है। तो ये इच्छा पूर्ण हनुमान मंदिर है, इसी तरीके से हमारे मंदिर। तो भंडारा कब होता है इसका? भंडारा दशहरा को दिन करते हैं जी, दशहरे वाले दिन। हाँ जी, अक्टूबर में दशहरे के दिन उसको दिन है, वही दशहरा दशहरे वाले दिन जी। बहुत भीड़ होता है, बहुत दुनिया आता है, बड़े दूर दूर लोग आते हैं। काफी रश होता होगा यहाँ पे? बहुत ज्यादा जी। यहाँ पर तो लंगड़ बनता है उधर जी, इस साइड। हाँ, ये सारी जगह लंगड़ से भरे होता है, सब पूरा पेड़ है ना, खाली जगह। ये जो बट कपड़े पेड़ है उसके यहाँ से लेकर चारों पास से ये आदमी उसमें फूल बीजेगा। यहाँ से लेके वो खंबा है ना, वहाँ तक आदमी सरसों बीजा हुआ है, उसमें टेंट लगता है, तो कीर्तन भजन हनुमान जी के भजन, हनुमान जी के भजन होते हैं। हाँ जी, भजन होता है। और वहाँ पर दो करनाल जमीन है, उसमें टेंट लगता है और बाकी इधर से उधर तक बिल्कुल फूल जाते हैं। सुबह 10 बजे से लंगर चालू होता है, खीर पूरी आलू छोला की सब्जी, लेकिन चलो कभी मौका मिला तो आपके भंडारे का भी कवर करेंगे फोन में। दशहरा के दशहरा के टाइम पे होगा। जरूर 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 आएंगे आपके पास, जरूर आएंगे। बहुत अच्छा देखने की लाइक जगह है। हाँ जी, दोस्तों भंडारा ना अपने क्षेत्र में भंडारा तो बड़े बड़े तगड़े होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रसम इस भंडारा का है। ठीक है ठीक है। अपनी हरियाणा में ना बहुत कम जगह है जहाँ पर ये नहर के ऊपर कोई मंदिर बना और वहीं पे भंडारा लगता है, बहुत कम जगह है, इसलिए मैंने सोचा था कि चलो एक बार पंडित जी से बात। कोई कोई सीजन में आइएगा ना, जैसे बरसात का सीजन में आइएगा तो ऐसे मालूम पड़ा कि मंसूरी में आया हुआ। अच्छा, ठंडी ठंडी हवा और बड़ा अच्छा मौसम, नहर और पेड़ पौधे सब हरा हरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की जी। तो इस तरीके से इस मंदिर को मैंने बहुत सपोर्ट किया। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मन साफ है, विद्वान उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मन साफ है, अंदर साफ है, अच्छी श्रद्धा से आप सेवा करते हैं। तो सेवा के तभी तो सेवा की मैं वहाँ पूछिए ना, ये लोग पड़ोसी है, यही लोग तो बनाया था पहले, मेरे को तो ये लोग लाया है। लेकिन जब तक ये मंदिर इतनी ऐसे था बना, वो मंदिर तो बना दिया लोग, लेकिन पूछिए इनसे यहाँ वाले से कि बनाने के बाद में विगत पुजारी का मंदिर नहीं होता। हर आदमी हनुमान जी की सेवा कर भी नहीं पाता है। सेवा करना चाहिए आपको, सेवा करना बहुत कठिनाई है। यहाँ पर लाए बहुत तरीका तरीका के, लेकिन कोई हनुमान जी का लाइन के नहीं आया। ये बिगड़ते गया मंदिर, खराब होते गया, बनना नहीं। वो तो जब से मैं आया जी, 10वां भंडारा यहाँ मैं कर दिया, 10 भंडारा मेरे हो गया है। ये 11वां ऐसा लॉकडाउन का हमारे बंद हो गया। वो तो सरकार के दिशा निर्देश थे, नहीं कर सकते आप। 11वां नहीं किए हैं, ये साल की रोक गया है, ये साल की 10वां भंडारा का मैं कर चुका है यहाँ पर। ओ, भंडारा सच्चा मन से करता हूँ, जो ही कुछ अगर थोड़ा बहुत करता हूँ, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसे है कि यहाँ लंगर चलते चलते माल बच जाता है रास्ता। भगवान की कृपा हो गई आपके ऊपर, कृपा है। अगर यहाँ पर मैं बुलाते हैं वो बनाने वाले कारीगर को आता है तो 500 आदमी को मैं इकराते हैं और आदमी 5000 से ऊपर हो जाता है। चलो चलो, लेकिन फिर भी भगवान के प्रसाद जो है घर में सब बचत होता है, बचत तो कितने तो गांव में भेजते हैं, चलिए बाकी नहर में डलवा। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमें। चलो, आपको भगवान जी आपकी मदद करेंगे, हर साल आप इसी तरह से सेवा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए,
गाइस चलिए अब आपको आप मुझे जरूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है काफ़ी सफिशिएंट है और आप ज़रूर विजिट करिए, बहुत ही अच्छी जगह है और मुझे तो पर्सनली बड़ी अच्छी लगी यार, इतनी शांति और पंडित जी ने जो जानकारी दी वो सारी की सारी जानकारी मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ा अच्छा भी लगा पंडित जी से बात करके। और उनको भंडारा भी करवाते हैं और ये जो प्लेस है काफ़ी अच्छा है, शांति वाला है और नेचुरल, मेन तो है कि नेचुरल ब्यूटी। चलिए फिर इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस व्लॉग का एंड करते हैं और मुझे बताइएगा जरूर कि किस तरह से लगा आपको व्लॉग, और मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, COVID-19 से बच के रहिए, एवियन फ्लू से भी बच के रहिए, नॉन वेज कुछ टाइम के लिए बंद कर दीजिए क्योंकि अभी पता ही आपको एवियन फ्लू का टाइम चल रहा है, और थोड़ा अवॉइड ही करिए क्योंकि ये चीज़ें ठीक नहीं है अभी आजकल, क्योंकि वायरसेस के डेज हैं, उनके ही दिन चल रहे हैं वायरसेस के, कभी COVID-19 और कभी एवियन फ्लू, तो थोड़ा ध्यान रखिए। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बंदर काफ़ी ज़्यादा हैं तो मैं उनसे डर भी रहा हूँ, मुझे फ़ोन वगैरह ना चुरा लेते हैं, पकड़ लेते हैं। चलिए ये सब तो इनकी फितरत है। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, जरूर लगा होगा क्योंकि इस तरह की चीज़ें मैं हमेशा कवर करता हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।